Good morning guys, what's up? Welcome back to another channel. Another channel? Another video. मैं बिल्कुल ही प्रैक्टिस आई थिंक मेरी छूटती जा रही है. हाँ, व्लॉग्स करने की अभी थोड़ी यू नो कम प्रैक्टिस होती जा रही है मेरी. पहले ऐसे फर 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 करके निकलते होते थे वर्ड्स. बट एनी वे, हेलो गाइज, हाउ आर यू? आज है संडे. लास्ट भी मैंने लास्ट वीकेंड पे शूट किया था. अभी वीकेंड्स पे तो मैं पूरा कोशिश करती हूँ कि मैं शूट करूँ, व्लॉग करूँ, जो भी कर रही हूँ. बिकॉज ऑनेस्टली संडे ही, सैटरडे और संडे, ये सब कुछ यही ऐसे दिन होते हैं जहाँ पे मैं एक्चुअली अब कुछ करती हूँ. अदरवाइज मेरी रूटीन सेम होती है. तो लास्ट वीकेंड तो हम लोग गए, वीकेंड ही था ना आई थिंक. हाँ, लास्ट वीकेंड था जब एकदम से वो वाला प्लान बन गया था. एनिवर्सरी थी हमारी लास्ट वीकेंड पे, तो हम लोग निकल गए थे इगतपुरी. और आज है नेक्स्ट संडे उसके बाद, और आज वर्ल्ड कप भी है. तो आज छोटे मोटे प्लान्स हैं. पहले तो बहुत टाइम से मैंने सोचा हुआ था कि मुझे हेयर कट लेना है, बिकॉज बाल मेरे, जय माता दी, टचवुड बहुत स्पीड से बड़े हो रहे हैं. बिकॉज ऑब्वियसली मैं बहुत ध्यान रखती हूँ एंड ऑल ऑफ दैट. अपनी वो गमीज भी लेती हूँ, आपको पता है, और अच्छा से ध्यान रखती हूँ बालों का. तो बहुत लंबे अब मेरे बाल हो गए हैं, बट उतने लंबे बाल ना मुझसे संभाले से नहीं जाते. फिर अल्टीमेटली मैं वो जूड़ा ही कर लेती हूँ, खुले भी नहीं छोड़े जाते. बहुत सारी चीजें हो रही थी, तो मैंने सोचा था कि हेयर कट लेना है, थोड़े छोटे कराने बाल, मौका ही नहीं मिल रहा था. तो अभी वीकेंड ही होते हैं मेरे पास ऐसे पेडिक्योर, नेल्स, ये सब करवाने के लिए. नेल्स तो बाय द वे इस बार मैंने करा लिए किसी तरीके से. मैं ऑफिस के बीच में से चली गई थी कनिका और रोशनी को बोल के कि यार मुझे नेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बारी नहीं आएगी मेरी. और क्या हो जाता ना, फिर वो क्रैक से पड़ने लग जाते हैं, तो वो बालों में फंसने लग जाते हैं कई बार, टूटने वूटने का, और अंदर से टूटने का डर रहता है, तो फालतू में चोट लग जाती. तो मैं निकल गई थी. बट हाँ, हेयर कट वगैरह मुझे था कि मैं फिर आराम से कराऊंगी जब मेरे पास एक्चुअली टाइम होगा. तो आज संडे है, कम्मू भी नहीं है यहाँ पे, कम्मू है अंधेरी. आज वर्ल्ड कप भी है, तो मैंने सोचा एक प्लान सा ही बना लेते हैं. रोशनी और कनिका मेरे साथ चल रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं. एक्चुअली दिवाली भी निकली, कोई कुछ हम लोग, मैंने सोचा था थोड़ा हम कहीं शायद बाहर जाएंगे लंच वंच के लिए. मेरे दिमाग में चल रही थी चीजें, मैंने उन्हें बोला नहीं था, बट दिमाग में चल रही थी मेरे कि कहीं लेके जाऊंगी एंड ऑल ऑफ दैट. उनको यू नो दिवाली का एक ट्रीट टाइप का दूंगी आभारी की टीम को, इफ इन केस, सॉरी इफ इन केस आपको नहीं पता रोशनी और रोशनी और कनिका कौन है. दे आर आभारी की टीम में है वो, ठीक है. मतलब दो ही लोग हैं मेरी टीम में अभी, रोशनी और कनिका. तो वो दोनों को मुझे था कि मेरे को लेके जाना है, पर दिवाली और मेरी एनिवर्सरी पास में पड़ रही थी. ऑल्सो कनिका वॉज ऑल्सो नॉट हियर, वो चार पाँच दिन की छुट्टी पे थी दिवाली वाले टाइम पे, तो वो चीज़ें सेट नहीं हो रही थी. तो मैंने कहा चलो आज मैं लेके चलती हूँ. तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने अपना हेयर कट बुक किया है और साथ में उन लोगों का पेडिक्योर बुक कर लिया है. तो हम लोग यहाँ से जाएंगे दोपहर को, सबसे पहले हेयर कट कराएंगे, उनका पेडिक्योर होगा, और उसके बाद वहाँ से फ्री होके हम लोग कहीं जगह पे बैठ जाएंगे खाने पीने के लिए. और ऐसी जगह पे बैठेंगे जहाँ पे मैच भी चल रहा होगा, तो वो एक अलग ही यू नो मज़ा सा आएगा. सो ये वाला सीन है आज का. एंड आज मैं बहुत चिल मार के उठी हूँ, मतलब अभी उठी हूँ मैं. टाइम पता क्या हो गया, आई थिंक 12:30 बज गए हैं. उठी तो मैं, नींद तो मेरी खुल जाती है ना वही 6:30-7 बजे, बट बेड से मैं निकली हूँ अब जाके, अब मैंने मतलब लिटरली ब्रश किया है. अभी क्या हो गया ना, अभी एकदम से वापस से वो वाली डिसिप्लिन्ड लाइफ हो गई है. पहले सिर्फ जब मैं यूट्यूब करती थी तब क्या होता था, जब मर्जी जो मर्जी चीज़ें कर लो, बेड में लेटे लेटे एडिटिंग भी कर लो, चाहे देर इज नो फिक्स्ड रूटीन. तो अभी विद आभारी इट्स लाइक 10 बजे ऑफिस पहुंचना ही पहुंचना है, वहां से 6 बजे ही निकलना है टाइप्स, यू नो 5:30-6 बजे. आई ऑल्सो लुक फॉरवर्ड टू अ संडे, अ डे लाइक दिस, जहाँ पे आई कैन डू अदर थिंग्स. सो आई एम एन्जॉइंग माई मंडे टू सैटरडे ऑल्सो, बट आई एन्जॉय संडे ऑल्सो. पहले विद यूट्यूब क्या हुआ करता था, एवरी डे वॉज अ संडे, एवरी डे वॉज अ वर्किंग डे. मतलब ऐसा कुछ सिनेरियो था कि मतलब काम कर रही हूँ तो संडे को भी कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ तो मंडे को भी नहीं कर रही हूँ, ऐसा था. तो अभी एक रूटीन लाइफ एकदम से बहुत ये वाली चेंजेस आए हैं, जो उससे बहुत अच्छा लग रहा है मुझे. तो अभी मैंने कहा चलो व्लॉग शुरू कर लेती हूँ, और मैं धीरे 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 रेडी होंगी. इस वक्त नीचे बैठी है मेरे, इस वक्त यहाँ बैठा है. दोनों के नाम लूंगी तो एकदम कान खड़े हो जाएंगे, लेफ्ट राइट होना शुरू हो जाएंगे, समझ में आ जाएगा उनको कि अच्छा व्लॉग चल रहा है. फिर मिष्टी तो पता ही, आपको टेंशन सीखेंगे, एकदम एक नंबर के टेंशन सीखेंगे. ये मैं आपको दिखाती हूँ बिना नाम लिए, पहले लड़की दिखाती हूँ. अब ये लड़की भी समझने लग गई है बाय द वे. हाँ, कान खड़े हो उसके लड़की पे. शी लव्स सिटिंग हियर, है ना मिष्टा बाबा? मिष्टा बाबा अच्छा बेटा, अच्छा अच्छा, कह रही अच्छे से लो मम्मा, अच्छे से लो मुझे. आए रब्बा मम्मा, ओहो पोजिंग, ओए होए पोजिंग भी हो रही है. ये देखो ऐसा साइड प्रोफाइल, ओ माय गॉड. मिस्टर स्माइल भी कर दे अब, एक स्माइल. नहीं स्माइल नहीं करनी, अच्छा हैंडशेक वाला पोज देना है. ठीक है ओके, डन 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 डन. चलो अभी एटम को दिखा दे, ये रहा एटम. हाय अट्टू, गुड मॉर्निंग अट्टू. अच्छा ये देखो जरा,
यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, मैंने बोला ना आपको, जैसे ही वो कैमरे की एक बीप सी होती है जब मैं रिकॉर्डिंग चालू करती हूँ, उसी पे मिष्टी सर नृत्य करने लग जाती है पूरा, उसको समझ में आ जाता है। तो एनीवे ठीक है, चलो, होप यू गाइज आर डूइंग वेल, होप आप लोगों के फेस्टिवल्स बहुत अच्छे गए। हम लोगों ने फेस्टिवल्स कोई सेलिब्रेट नहीं किए, बट हमने इन्जॉय किया दिनों को, लेकिन सिर्फ जैसे मैंने एक व्लॉग में बताया था कि क्योंकि मम्मी पास्ड अवे, तो जो भी वॉट एवर लिटिल नॉलेज आई हैव इज के फेस्टिवल्स सेलिब्रेट नहीं करते। ऐसा नहीं कि जिंदगी रुक जाती है या आप चीज़ें अटेंड नहीं करते हो, पार्टी नहीं करते हो या कहीं ट्रैवल नहीं करते हो, वो सब चीज़ें होती हैं, बट सिर्फ फेस्टिवल्स का होता है कि फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं करते हैं एक साल तक। तो इस बार हम लोगों ने दिवाली, दशहरा तो हम कभी भी सेलिब्रेट नहीं करते, बिकॉज दशहरे वाले दिन, एग्जैक्टली दशहरे वाले दिन मेरे पापा की डेथ हुई थी 1996 में, माय भाई फादर पास्ड अवे ऑन द डे ऑफ दशहरा एग्जैक्टली। तो उस दिन से दशहरे वाले दिन तो अब एक साल वाला सिस्टम नहीं है, मतलब दशहरे वाले दिन तो ऐसे दिल में ऐसे रहता ही है कि आज के दिन पापा गए थे, चाहे डेट्स चेंज होती रहती है दशहरे की, बट वो एक दशहरे से एक मेमोरी आती है। तो वो तो करना ही नहीं था, और करवा चौथ का भी मैंने व्लॉग नहीं किया इस बार, कोई व्लॉग्स फेस्टिवल्स पे मैंने नहीं किए, इसीलिए नहीं किए। ठीक है, चलो अभी मैं रेडी, धीरे 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 रेडी होऊंगी और फिर आप लोगों को मिलती हूँ मैं थोड़ी सी देर। हेलो हेलो, ओके, लाइटिंग प्रॉब्लम, वन सेकेंड। बाय द वे, देख रहे हो मैंने क्या पहना है आज, बहुत टाइम बाद मैंने ये पहना है जो कम्मू ने मुझे गिफ्ट किया था, आई थिंक, हाँ, ज़ारा से। बाल बहुत चेपू हो रखे हैं, बट मैंने आज वॉश नहीं किए, थिंकिंग के अब जाना तो है ही मुझे हेयर कट के लिए, वहीं पे वॉश हो जाएगा, वहीं पे सब कुछ हो जाएगा। सो यस, आई एम रेडी टू लीव। लंच मैंने कर लिया है, लंच में मैंने खाए आज, कड़ी बची हुई थी कल की, तो कड़ी को मैंने आटे में ऐसे गुंदवा लिया था और उसके पराठे बनवा लिए थे, और साथ में दही और ऐसे नारियल की चटनी बनी थी, तो वो खा लिया। और नाउ आई एम रेडी टू लीव, बट उससे पहले एज ऑलवेज वी आर गोइंग टू हैव HK Vitals की हेयर स्ट्रेंथनिंग गमी। दिस इज रियली रियली गुड फॉर माई हेयर, आपको बता रही थी ना, बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है, बिकॉज आई एम वेरी कंसिस्टेंट विद दीज। इसमें बायोटिन है, जो भी चीज़ें हमारे हेयर के लिए अच्छी होती हैं, ज़रूरत होती है हमें, वो सब इसके अंदर है। एक गमी मैं रोज कंज्यूम करती हूँ बेनागा, दिस इज द गमी, बहुत टेस्टी होती है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में, बहुत अमेजिंग होती है। ओके, दिस इज द बैग दैट आई एम कैरिंग, बिकॉज ये जो कलर है ना, ये मैंने देखा है काफ़ी ज़्यादा डल है, तो इसके साथ मैंने कहा चलो थोड़ा सा बैग कलरफुल उठा लेते हैं। एंड सारी चीज़ें रख ली है मैंने, अपनी ये पाउच है जिसमें बहुत सारी मिसलेनियस चीज़ें होती हैं, थोड़ा कैश वैश होता है, आजकल मेरा चीज़ें चेंज होती रहती हैं। और ग्लासेस रख ली हैं, पता चले मैच चल रहा है मैं देख नहीं पा रही हूँ ढंग से, दूर है अगर प्रोजेक्टर एंड ऑल दैट, और फोन वगैरह ये सब। सो दिस इज द बैग जो मैंने कम्मू से मंगवाया था जब कम्मू ने लंडन ट्रैवल किया था, और वहां पे बहुत सस्ता मिल रहे थे कुछ बैग्स, तो मैंने मंगवा लिए थे। मैं अब वेट कर रही हूँ कनिका की, एंड रोशनी इज डायरेक्टली रीचिंग विव्याना मॉल, जहाँ पे हम ये सब कुछ करने वाले हैं। बाय द वे, सारी जगहें जो भी पता कर रहे हैं, वो पता चल रहा है कि वो बुक्ड हैं, अब वहाँ जाके ऐसा ना हो जाए कि हमें बैठने के लिए कोई जगह ही नहीं मिल रही है। और मैंने इयररिंग्स भी चेंज कर लिए, मैंने वो पहने हुए थे छोटे वाले टॉप्स ना, वो गोल्ड वाले, तो ये पहन लिए मैंने। नहीं कोई नहीं, कब से वेट कर रहे हो? अरे बट यू आर नॉट लेट, आई एम अर्ली। यू आर अर्ली, हाँ ये पकड़ लो। हाँ मेरे साथ, मैं तुमको कभी भी टाइम, अच्छा व्लॉग ऑन है बाय द वे, ओ हाँ हाय। मैं तुमको कभी भी ये वाला टाइम दूंगी ना, अगर 3 बजे, तो तुम याद रखना कि मैं 2:30 बजे आधे घंटे पहले चलोगे। चलो चलो चलो, मैं पहली बार अक्षय की बना आई हूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं रात को एंग्जायटी हो रही थी कसम से। वो मुझे बोला कि क्या प्रॉब्लम है, जाओ एंजॉय, हैव फन, इट्स योर लाइफ। मैंने बोला थैंक यू अना, पर मुझे ऐसा लगा, बट आई गेट इट, आदत हो जाती है ना हमें, हाँ दी, पतियों के साथ जाने की हर जगह। हेलो, अमेज़न से पार्सल आने वाली है दी। आ गई और चली भी गई वापस। अरे रे, हाँ वो कैश ऑन डिलीवरी था ना, तो वो रख के नहीं फिर जा पाया, तो मैंने कहा फिर अब ठीक है। मुझे कॉल ही नहीं आई, आपको आई थी? मुझे आई थी। ओके, आपका नंबर, मेरा नंबर, नोटिफिकेशन मुझे। पहुँच गए हम, रस्ते में कोई व्लॉग नहीं किया क्योंकि मैं और कनिका इतनी गप्पे मारते हुए आए हैं कि रह गया ब्लॉक करना, बट वी हैव रीच्ड विव्याना। ओके जी, तो रोशनी भी पहुंच चुकी है, कनिका तो मेरे साथ ही है। बहुत चीज़ें हुई, अभी मैं कैसे समझाऊँ। वहाँ पे बेसिकली टेबल छोड़ के जा नहीं सकते, और टेबल पे अगर कोई एक जन बैठा नहीं तो टेबल निकल जाएगा हाथ से। तो फाइनली अब ये डिसाइड हुआ है कि रोशनी इज़ स्टेइंग बैक एट द आयरिश हाउस, वो टेबल ब्लॉक करके रखेगी, और मैं और कनिका सिर्फ जा रहे हैं सैलॉन में
वहाँ पे मैं कराऊंगी अपना हेयर कट और कनिका का पेडिक्योर। क्या लगता है तुम्हें, मैं आज कितने छोटे बाल करवा लूंगी? मुझे लगता है आपको इतने करा लेने चाहिए ना। हाँ, मैं भी इतने कराने वाली हूँ। इतने नहीं, इससे भी मैं ज्यादा सोच रही हूँ। वैसे ये टू शॉर्ट है, इतने कम नहीं। तो मैं हाँ मतलब आधे तो करवा दूंगी। अभी तो मेरे पूरे नीचे गए हुए बाल, ऐसे कमर को छूने लग गए लिटरली बाल। फिर इतने करा लूंगी। जो यहाँ से बाल है ना, वो मेरे अभी पूरे ऐसे बराबर आते हैं, तो मेरे को यहाँ तक कर दो, मेरे को चलेगा। मतलब बिल्कुल एकदम चेंज लगे लुक। ठंडा पानी कर दो प्लीज। Something in my brain causes stress. So come and make me feel different. You wanna hold, don't hold back. Oh, your little drama's got me mad. So मैं फ्रंट से छोटे करा रही हूँ इतने बाल, ताकि थोड़ा सा पता चले हेयर कट कराया, और पीछे से भी थोड़े शॉर्ट करा रही हूँ। देखा जाएगा जो होगा। मस्त लग रहा है, चेंज लग रहा है थोड़ा फेस। कनिका का रिएक्शन मैं लेना भूल गई, उसको मैंने बस ऐसे दिखाया, उसका इतना बड़ा हो खुल ऐसे हो गया। वेरी नाइस एंड यू आर लुकिंग अमेजिंग। हाँ एकदम चेंज हो गई है लुक, बट काफ़ी ज़्यादा छोटे हो गए हैं। इतने नहीं एक्सपेक्ट किए थे कि मैं कटवा लूँगी, बट ठीक है, अभी लुक चेंज हो गई है, एकदम अच्छा लग रहा है मुझे। नाउ वी आर डन फ्रॉम हियर, वी आर गोइंग टू दी आयरिश हाउस, जहाँ पे रोशनी बैठी है, हमारा वेट कर रही है। हमें एक घंटा यहाँ पे लगा, तो शी इज़ वेटिंग देयर, शी इज़ इन्जॉइंग। मतलब अपना उसने ऑर्डर कर लिया है, मैं उसे बोल के आई थी ऑर्डर कर लेना, आराम से चिल। सो या वी गोइंग देयर एंड जॉइनिंग हर। रोशनी, मेरे बाल कैसे लगे? बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत छोटे हैं पर अच्छे लग रहे हैं। काश किया होता उसने तो नहीं, पर इसने भी रिएक्शन अच्छा दिया, बट इसका भी रिकॉर्ड करना भूल गई और तुम्हारा भी। हम लोग निकल लिए थे, वहाँ से निकल गए हैं, लेकिन हमें इतनी मुश्किल से गाड़ी मिली है ना। हम लोग बातें करते करते आए हैं पार्किंग के टाइम पे, हम लोगों ने सोचा ही नहीं कि कहाँ पे खड़ी कर रहे हैं, क्या पिलर नंबर है, नोट ही नहीं किया। ओ माय गॉड, और 10 मिनट से चल रहे हैं, गाड़ी ढूंढ रहे हैं रिमोट से, फाइनली अब जाके मिली है, मिल गई। Okay, we are back and look at my pony. बहुत छोटे हो गए हैं बाल, but honestly I'm liking it. I think I needed this change. मैं बहुत तंग सी हो गई थी अपने इतने लंबे बालों से, और बहुत स्पीड से बढ़ रहे थे ना, जैसे मैंने बताया था। So I think I needed this change. This is Mishti gone mad completely. तो अभी ये है कि अब मैं ये सब उतारूंगी, मेकअप वेकअप उतारूंगी, बच्चों की वॉक का टाइम हो गया है, वो वॉक का काम करेंगे इसकी, फिर मैं दिन को एंड कर दूंगी। और बाय द वे, हाँ ये तो मैंने बताया नहीं कि हम पूरा मैच नहीं देख के आए, इसलिए अभी मैं मैच को कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि कनिका को भी एक पर्टिकुलर टाइम पे पहुंचना था। मुझे भी ऐसे लग रहा था कि ठीक है, बच्चों की वॉक का भी टाइम है तो हम चलते ही हैं, तो इसलिए हम लोग आ गए। तो अभी मैं मैच को कंटिन्यू करूंगी एंड दिन का करूंगी एंड, और इस ब्लॉग को करूंगी मैं कल कंटिन्यू। सो यस, कल मिलते हैं फिर आपको, बाय।
गुड मॉर्निंग गाइस. ओके आई फील सो डिफरेंट, ऐसा लग रहा है फेस ही चेंज हो गया है. बट एनीवेज गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू गाइस. आज मैंने सोचा था, मैंने सोचा था कि मैं आराम से उठूंगी थोड़ा. बट सुबह सुबह आई थिंक 6 बजे बेल बजी और किसी ने गलती से बेल बजा दी थी. उन्हें सामने वालों के यहाँ जाना था और हमारी बेल बजा दी. तब से आई ट्राइड स्लीपिंग पर नींद नहीं आई. यार व्हाई डू आई लुक लाइक अ डिफरेंट पर्सन ओनली, आई डोंट नो, सो मिक्स्ड फीलिंग्स. मतलब हाँ, मेरा मोटिव ही वही था कि लुक चेंज हो. सो लुक चेंज होगी तो आई विल लुक लाइक अ डिफरेंट पर्सन ऑलमोस्ट. बट अब लग रहा है तो अजीब लग रहा है. एनीवे सो वो सीन है. तो अभी मैं फाइनली, मैंने सोचा मैं उठ ही जाती हूँ यार, बेड से निकल ही जाती हूँ. आई ट्राइड स्लीपिंग, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ. अभी आई जस्ट मेक माई सेल्फ ब्लैक कॉफ़ी एंड डू योगा टुडे. लास्ट कुछ दिनों से मैंने योगा वोगा नहीं किया है. योगा करूँगी एंड या उसके बाद दिन स्टार्ट हो जाएगा. कल इंडिया मैच हारा और काफ़ी बुरे तरीके से हारा. मतलब इट वॉजंट इवन क्लोज. एक होता ना कि इतने रन से हार गया या यू नो ऐसे वैसे, वो भी नहीं हुआ. मतलब बहुत ही गंदा हारे हैं हम. लास्ट में तो मैंने मैच देखना छोड़ दिया. मैंने कहा मुझको देखना ही नहीं है, छोड़ो, हारते हुए नहीं देखना. तो छोड़ दिया था देखना लास्ट के. आई थिंक जब 20 रन रह गए थे उन्हें बनाने के, हाँ तब मैंने छोड़ दिया था. 20-22 समथिंग. एनीवे चलो मैं कॉफ़ी लेके आती हूँ, फिर आप लोगों से बात करती हूँ. हियर इज माय ब्लैक कॉफी, लेट्स सी व्हाट बच्चास आर डूइंग. गुड मॉर्निंग मिस्टर. नोज कैमरा आया है. गुड मॉर्निंग मिस्टर. व्हाट आर यू डूइंग मिस्टर? अभी तुम पता है इस लड़की को बोलोगे ना अगर कि चलो उठो और ये और वो, उठेगी नहीं, कंबल के अंदर घुस जाएगी. सारी रात कंबल के अंदर घुसी रहती है और अगर इसे कोई टच कर दे तो क्या करती है? ग्राउल करती है. अच्छा मिस्टू, आज पता है क्या होएगा? आज ना प्रखर चाचू आएंगे. हाँ प्रखर चाचू आएंगे. प्रखर चाचू आएंगे, सच्ची में आएंगे प्रखर चाचू. ए फ्रेश टू मीट प्रखर चाचू, फ्रेश टू मीट प्रखर चाचू. बस अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं आ रही, नहीं आ रही प्रखर चाचू. और पता है कौन आएगा? और पता है कौन आएगा? वृद्धि मासी. वृद्धि मासी. ओके जी, सबसे पहले आते ही हम लोग ऑर्डर्स पैक करते हैं और जब तक ऑर्डर पैक हो रहे होते हैं तब तक मैं एकदम सीरियस होती हूँ. ज़्यादा बात बात नहीं करती हूँ क्योंकि ऐसे होता है कि बातों में ना कन्फ्यूजन में कुछ गलत ऑर्डर किसी को ना चला जाए. तो इसलिए आके मैंने व्लॉग ऐसे प्रॉपर ऐसे चालू नहीं किया था. वी हैव स्टार्टेड आवर वर्क. क्वालिटी चेक हमें आज बहुत सारी साड़ियों का फिनिश करना है बिकॉज परसों हमारा एक प्रॉपर फुल फ्लेज्ड आभारी का शूट है और कल उसकी तैयारी करनी है. लाइक बहुत चीज़ें निकाल के रखनी होती है हर चीज़ के साथ. किस साड़ी के साथ पहले तो साड़ीज फाइनलाइज करनी है कि भाई कौन कौन सी साड़ी शूट करनी है, फिर हर किसी के साथ कौन सा पेटीकोट जाएगा, कौन सा ब्लाउज जाएगा, कौन सी ज्वेलरी जाएगी, वो सारा कुछ फाइनल करना होता है. और मल्टीपल मॉडल्स हैं इस बार तो कौन 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 सी साड़ी पहनेगी, इस बंदी ये वाली साड़ियाँ पहनेगी, ये बंदी ये वाली साड़ियाँ पहनेगी, तो कल पूरा दिन हमारा इसी चीज़ में चला जाएगा. तो आज हम लोगों को ये वाला क्वालिटी कंट्रोल जो क्वालिटी चेक जो है वो फिनिश करना ही है सारा. सो वी आर डूइंग दैट ओनली. रोशनी एंड कनिका दोनों उसी में लगे हुए हैं. ये है हमारी मोस्ट लव्ड
टिश्यू साड़ी बाय द वे, ऑरेंज एंड पिंक इसका बॉर्डर है. सो ये हमने रीस्टॉक की है बेसिकली साड़ी, इसलिए इनका न्यू वाले मतलब स्टॉक का क्वालिटी चेक चल रहा है. मैं इसका आभारी का लिंक दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग चेक कर लेना इंस्टाग्राम उसका. वेबसाइट पे भी हमारी साथ साथ काम चल रहा है, बट वेबसाइट का काम बहुत काम होता है. मतलब हर एक साड़ी की मतलब मेजरमेंट करना, कौन सी साड़ी कितने मीटर की है, कितनी उसकी हाइट है, क्या उसका फैब्रिक है, क्या उसका कलर है, इट्स सच अ लॉन्ग प्रोसेस. ऑब्वियसली जब आप ऐसी चीज़ें करते हो तभी आपको ज़्यादा समझ में आता है, व्हेन यू नो गेट इनटू इट तो आपको पता चलता है कि कितनी सारी चीज़ें हैं उसमें. सो इसलिए बहुत टाइम लग रहा है हमारा वेबसाइट में, तो चल रहा है वो भी. होपफुली अगले 15-20 दिन में हमारी वेबसाइट लाइव हो जानी चाहिए, बट तब तक किसी को भी अगर हमारा मतलब आभारी का ऐसे पेज देखना है तो आप लोग इंस्टाग्राम से ऑर्डर कर सकते हो आराम से, ऐसा कोई सीन नहीं है. वी आर टेकिंग ऑर्डर्स थ्रू DMs. ट्राइंग टू फिक्स अ लेग. ये खुलेगा, इसके अंदर ये थोड़ा फिक्स होगा, फिर ये प्लेट लगेगी. काम कर सकते रोशनी, अभी अंदर का मैंने पेपर रखा था या फिर थोड़ा सा टिश्यू है, प्लीज कुछ ऐसा दो ना. हाँ, इसके अंदर वो साधे हैं. हथौड़ी है अपने पास, ये बस एक बार थोड़ा और अंदर चला और फिर दो तीन जगह से डाल देते हैं. और देना रोशनी पेपर, लो ये बता के रखे हुए थे छोटे छोटे पीस हम लोगों ने, वो भी काम आ गए हमारे. नथिंग गोज वेस्ट. इसकी ना एक्चुअली एक लेग थोड़ी हिल रही थी, तो वो थोड़ा हम लोगों ने फिक्स करने की कोशिश की. लंच टाइम आज मैंने बताया था रीना नहीं आई, तो मैंने बाहर से ऑर्डर कर लिया कुछ हेल्दी सा, एंड सब लोग अब बैठ के हम लंच कर रहे हैं. और ये नीचे बैठ के हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दिस गर्ल, इसने हमें आदत डाल दी नीचे बैठने की, जो कि बहुत अच्छी है. एक्चुअली तुम साउथ इंडियन हो ना, तो ये साउथ इंडियंस यूजुअली नीचे बैठ के खाते हैं, विच इज़ अ वेरी आई डोंट नो गुड है जो भी है, बट ये कल्चर मुझे तो अच्छा लगता है. तो जब रोशनी ज्वाइन कर रही थी और नीचे बैठ के खाने शुरू कर रही थी, सबसे पहले कनिका नीचे बैठी उसके साथ, फिर मैं बैठ गई. तो अब उस दिन से हम लोग नीचे बैठ के ही खाना खाते हैं रोज़. खाना हो गया, खाने के बाद हम तीनों पीते हैं चाय. मैं बनाती हूँ और वो कहाँ गई. अच्छा, और ये दोनों वेट करते हैं, दीदी चाय बना दो ना यार. और इनको मेरे हाथ के अलावा किसी की पसंद भी नहीं आती है, खुद के हाथ की भी नहीं. इसको तो बनानी नहीं आती है, इसको आती है पर मेरे को सिखाई है, बट कॉन्फिडेंस नहीं है. आप लोगों को पसंद आएगी. हाँ, एक्चुअली ये क्या है ना, ये सिंपल रेसिपीज तो बना लेती है, बट चाय जैसी कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं बना पाती. और ये बहुत ज्यादा दूध वाली चाय बनाती है, इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ही ले लिया कि मैं ही बनाऊंगी. हेलो हेलो गाइज, आई हैव रीच्ड बैक होम. आके मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे निपटाई, बच्चों के साथ थोड़ा सा खेली वेली, उनके साथ टाइम स्पेंड किया और एडिटिंग भी की है मैंने बहुत सारी. अभी आके यही वाला व्लॉग एक्चुअली जो चल रहा है, मैंने सोचा एंड जब करूंगी करूंगी तब तक मैं बाकी का एडिट कर देती हूँ. जो कल से व्लॉग चल रहा था तो मैं एडिटिंग भी कर रही थी, क्योंकि ये व्लॉग कल जाना है. आई वॉन्ट कि ये व्लॉग कल चला जाए. सो यस, होप यू गाइज एंजॉयड. इफ यू डिड लेट मी नो इन द कॉमेंट्स एंड आई विल सी यू गाइज सुपर सून. पक्का से सुपर सून इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय.